का साथ करिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना और राष्ट्रपति किरोड़ी लाल मीना जी, प्लीज स्पीक, अब आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, प्लीज। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जनसंघ के बहुत बड़े नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो बहुत बड़े चिंतक थे, विचारक थे, उन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो समाज में सबसे नीचा है, सबसे पिछड़ा है, उसके उत्थान की बात कही, एकात्म मानववाद का प्रतिपादन किया। उस विचार पर मोदी सरकार चल रही है और मोदी सरकार ने समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान करने का कार्य किया है, विकास की पावन गंगा गरीब तक पहुंचाई है, गांव तक पहुंचाई है, दीनहीन तक पहुंचाई है। इसलिए हर गरीब के सिर पर पक्की छत दी है, हर गरीब के पास स्वच्छ ईंधन दिया है, हर गरीब के घर बिजली पहुंचाई है, हर गरीब के घर शौचालय दिया है, हर गरीब के घर मेडिकल सुविधा पहुंचा रहे हैं, हर गरीब को शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं और हर गरीब को पेंशन दे रहे हैं और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करने का प्रधानमंत्री जी का सपना है। माननीय उपसभापति महोदय, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को वोट बैंक समझते हुए 50-55 साल तक वोट लिया, उनके लिए कोई ऐसी योजनाएं जितनी भी चली देश की आजादी से बाद से अब तक, उनको अगर मजबूत काम करने का किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। निगाह है हमारी, देख रहे हैं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से जनजाति मंत्रालय बनाया। माननीय किरोड़ी मल जी, आपने 2 मिनट बोला, कुल आपके पास 10 मिनट का था, शेष 8 मिनट आप कल बोलेंगे। धन्यवाद। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 11 आवर्स ऑन वेडनेसडे द 26 जून 2019।